शबनम हत्याकांड का इनामी आरोपी नवनीत सिंह गांगुली मुठभेड़ में घायल पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से दो तमंचा कारतूस और मोटरसाइकिल पुलिस ने किया बरामद। दीदारगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े की गई गला रेत कर हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामिया नवनीत सिंह गांगुली को पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से दो तमंचा कारतूस मोबाइल और मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें उक्त हत्याकांड में शामिल शुभम गौतम को कल 24 दिसम्बर की दोपहर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान नवनीत सिंह गांगुली मौके से भागने में सफल हो गया था। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव में किशोरी की दिन दहाड़े हुई हत्या को काफी गंभीरता से लेते हुए मामले का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम का गठन किया गया था। बीते 24 दिसंबर की रात प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार अपने हमराइयों के साथ मुठभेड़ के दौरान फरार नवनीत सिंह गांगुली की गिरफ्तारी की तलाश में पलथी बाजार में मौजूद थे कि इसी दौरान उन्हें मुखबिर से ये सूचना मिली कि सुरहन हत्या की घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त नवनीत सिंह बिहटा मोड़ से कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर थाना प्रभारी दीदारगंज अपने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंच गए। मुखबिर ने नवनीत सिंह उर्फ गांगुली की पहचान कराई। पुलिस बिहटा मोड़ के पास जैसे ही नवनीत सिंह के करीब पहुंची, नवनीत सिंह गांगुली द्वारा पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे 11:40 पर रात में ही गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल के साथ एक मोबाइल और कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को आशा देवी पत्नी जैतून राजभर ग्राम सुरहन थाना दीदारगंज ने थाना पर तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री शबनम को नवनीत उर्फ गांगुली, पुत्र पूरन सिंह, शुभम पुत्र जीतू राम, समस्त निवासी ग्राम सुरहन थाना दीदारगंज ने चाकू से मारकर हत्या कर दी है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा हत्या के मुख्य आरोपी नवनीत सिंह उर्फ गांगुली के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव में युवती की दिन दहाड़े हुई हत्या को काफी गंभीरता से लेते हुए मामले का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम का गठन किया था। बीती 24 दिसंबर की रात प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार अपने हमराइयों के साथ मुठभेड़ के दौरान फरार नवनीत सिंह की गिरफ्तारी की तलाश में ही थे कि पलथी बाजार में मौजूद होने पर इन्हें सूचना मिली कि सुरहन में हत्या की घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त नवनीत सिंह उर्फ गांगुली बिहटा मोड़ से कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर थाना प्रभारी दीदारगंज हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचे और मुखबिर ने नवनीत सिंह उर्फ गांगुली की पहचान करवा दी। पुलिस बिहटा मोड़ के पास जैसे ही नवनीत सिंह के करीब पहुंची कि नवनीत सिंह द्वारा पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उसे 11:40 पर हिरासत में लिया है। उसके पास से दो तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल के साथ एक मोबाइल और कुछ रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। परसों थाना दीदारगंज अंतर्गत घटित हत्या की घटना के संबंध में FIR नंबर 338/23 धारा 302/506 IPC 2 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी। एक नामजद अभियुक्त शुभम गौतम को कल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दूसरा नामजद अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त भी है, नवनीत सिंह उर्फ गांगुली पुत्र पूरन सिंह, जो सुरन का रहने वाला है, और 25,000 का इनाम इसकी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया था। कल देर रात्रि में लगभग 12:45 इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना दीदारगंज की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है, उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से अवैध असलाह कारतूस और एक मोबाइल फोन एंड्रॉयड बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों की पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ है कि नवनीत सिंह की पूर्व से मृतका के साथ बातचीत होती थी और ये उससे शादी करना चाहता था। दोनों परिवारों के बीच भी इस संबंध में बातचीत हुई थी, कुछ कारणों से ये शादी इनकी नहीं हो पाई। नवनीत सिंह जो अभियुक्त है, इसके द्वारा मृतका पर दबाव बनाया गया कि वो इसके साथ भाग के शादी करे, लेकिन मृतका इसके लिए सहमत नहीं थी। इसके द्वारा इसका विरोध किया गया, इसी कारण से इसके द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर घटना घटित की गई। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है, साथ संकलन किया जा रहा है। अतिशीघ्र वेचना को निस्तारण करते हुए, तो फास्ट ट्रैक कराते हुए इनको सजा कराई जाएगी।